हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल चटपटी रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दिवाली स्पेशल मूंग दाल बर्फी, दानेदार बर्फी। बहुत ही टेस्टी, समय लगता है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। कोई भी त्यौहार हो आप इसे बना के रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो चल आगे हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या सामान लगेगा और ये कैसे बनेगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा बना है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। और यहाँ पे मैंने लिया है मूंग दाल, इसे मैंने भिगो के रखा था 1 घंटे के लिए। ये देखिए अच्छे से फूल गया, इसका पानी हमने निकाल दिया है। और ये मूंग दाल इस कटोरी से, एक कटोरी है, आप आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। छोटी कटोरी से एक कटोरी हमने लिया था और इसे भिगो दिया है। अब हम इसे मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लेंगे, दरदरा, बारीक नहीं करना है, दरदरा पीसना है। और आधा टुकड़े हो जाए इसमें से, ये देखिए एक में से टुकड़े हो जाए, ऐसा हमें पीसना है। एक भी ऐसा साबुत नहीं होना चाहिए। तो पीस लेते हैं हम। तो ये देखिए हमने पीस लिया है, एकदम दरदरा पीसा है, बारीक नहीं पीसा है और एक भी दाने इसमें दिख नहीं रहे हैं। ये देखिए दरदरा हो गया है, अगर बारीक हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, दरदरा हो जाएगा तो और टेस्टी लगेगा। तो चलिए इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं, पका लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है कढ़ाई, आप चाहें तो पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कढ़ाई में हम घी डाल देंगे, देसी घी। तो इससे हम 1 कलछल घी डालेंगे। आपको लग रहा है कि ज़्यादा है लेकिन आगे ये पता ही नहीं चलेगा। गरम थोड़ा सा होने देते हैं, इस मिठाई में थोड़ा सा ज़्यादा घी रहेगा तो अच्छे से बर्फी बनेगी। तो घी थोड़ा गरम हो गया है, देसी घी है यहाँ पे, हमने घर का इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम इसमें डाल देंगे ये दाल पीसे हुए, चला देंगे और एकदम स्लो आंच पे इसे हम भूनेंगे अच्छे से। जब तक भूनेंगे तब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए, हल्का रेड कलर ना आ जाए, तब तक हम इसे अच्छे से भूनना है चलाते हुए एकदम स्लो आंच पे। बाद में हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे 4-5 मिनट के बाद, तब तक के लिए हम ऐसे ही चलाते हुए भूनेंगे। अच्छे से इसे भूनना है ताकि अलग अलग दाने हो जाएं। तो ये देखिए घी पूरा सोख लिया है, इसमें समा गया है, पता ही नहीं चल रहा है घी कहाँ है। और जब ये अलग होगा एक एक दाने तब घी पता चलेगा। ये देखिए एक में चिपक रहा है, ये अलग होगा, जितना अच्छे से ये भुनाएगा भुनेगा वैसे ये अलग होता जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से ये थोड़ा थोड़ा अलग हो रहा है। तो अब हम आंच को मीडियम रखेंगे और इसी तरह अच्छे से हम भूनते जाएंगे इसे, इसका कलर तब तक चेंज ना होगा तब तक चलाते हुए, लगातार चलाते हुए भूनना है अच्छे से। ये देखिए बिल्कुल घी दिख नहीं रहा है, एकदम चिपक भी नहीं रहा है। और ये देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। कोई भी त्यौहार हो आप बना सकते हैं। आप चाहें तो आप ऐसे ही बर्फी बना सकते हैं येलो जैसा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज करूंगी ताकि और अच्छा लगे दिखने में भी और खाने में भी टेस्टी लगता है, हल्का सुनहरा कलर आता है। तो अच्छा है तो इस समय जो जिस जो कलर है इस समय भी आप ऐसे ही बर्फी बना सकते हैं, लेकिन इसका कलर चेंज होने जाने पर और टेस्टी हो जाता है। तो हम अच्छे से और भूनेंगे, जितने अच्छे से भूनेंगे उतनी अच्छी बर्फी बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 10 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, तो ये अलग होने लगे हैं और अच्छे से ये अलग हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए अलग होना शुरू हो गया है, मुझे लगातार भूनते हुए 10 से 11 मिनट हो गए हैं। भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन बर्फी बहुत अच्छी बनती है, टाइम तो जाता है, बर्फी बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग ट्राई कीजिएगा ज़रूर।
तो ये देखिए यहाँ पे हमने 20 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, और ये देखिए अलग अलग दाने हो गए हैं ये देखिए, और इसे इसका कलर चेंज होने तक इसे भूनेंगे। पहले हमने आँच को स्लो रखा था, अब हम मीडियम रखे हैं इसको इसका आँच। तो ये देखिए कलर चेंज होने लगा है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कलर चेंज हुए, और हम थोड़ा कर लेंगे। तो ये देखिए हल्का रेड कलर हो गया है, तो अब हम इसे इसमें चीनी डाल देंगे आवश्यकता अनुसार मीठे के हिसाब से। यहाँ पे हमने 30 मिनट तक भुना है मूंग दाल को, और चीनी मिला लेते हैं, अच्छे से घुलने देते हैं। तो चीनी हमारी घुल गई है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, एक बार में नहीं डालना है। थोड़ा सा और हम इसमें दूध डाल देंगे, ये दूध गुनगुना दूध है, आप चाहें तो ठंडा दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन गुनगुना दूध से और अच्छा बनता है। और अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर थोड़ा सा, ताकि और टेस्टी बन जाए। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट नहीं डाल रहे हैं, ऑप्शनल है, आप इसे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। हम सिर्फ गार्निशिंग के लिए पिस्ता डालेंगे। तो इलायची पाउडर को हमने अच्छे से मिला लिया है, थोड़ा सा और अच्छे से हम सुखा लेते हैं मीडियम आँच पे। तो ये देखिए अच्छे से एकदम दूध एकदम सूख लिया है, समा गया, पता ही नहीं चल रहा है, ये देखिए अच्छे से एकदम सूख गया है। तो हमारा मूंग दाल बर्फी बनाने का बैटर जो तैयार हो गया है, अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट तक ठंडा हो गया है थोड़ा सा, अब हम छू सकते हैं, हल्का ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं, चाहे आप कोई बर्तन में निकाल सकते हैं, अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो हम टिश्यू पेपर पे निकाल रहे हैं। तो ये देखिए हमने टिश्यू पेपर पे निकाल दिया है, अब हम हाथों से या आप पलटे की मदद से इसे शेप में कर सकते हैं। तो पहले हम चार कोने जैसा शेप बना लेंगे। तो ये देखिए हमने शेप बना लिया है, इसके ऊपर हम पिस्ता डाल देंगे, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। शेप हमारा बन गया है, तो ग्रीन पिस्ता इसके ऊपर से ऐसे डाल देंगे, दबा देंगे। ऐसे थोड़ा सा हम दबा देंगे, और अब हम इसे 1 घंटे के लिए इसी तरह ठंडा होने देंगे, जमने के लिए जमने देंगे इसे। आप चाहें तो इसे पंखे के नीचे रख सकते हैं या ऐसे ही खुले में रख सकते हैं, ताकि ये ठंडा हो जाए, फ्रिज में नहीं रखना है। अब 1 घंटे के बाद हम इसे कट करके दिखाएंगे। तो 1 घंटा हो गया है, ये देखिए एकदम ठंडा हो गया है, जम गया है अच्छे से, अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो आप कोई भी आकार में कट कर सकते हैं, पहले हम बीच से कट करेंगे। ऐसे इस तरीके से हम कट करेंगे, कोई भी आकार में आप कट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने सारे कट कर लिए हैं, ये देखिए कितनी अच्छी बर्फी बनी है, आप कोई भी आकार में कट कर सकते हैं, ये देखिए देखने में कितनी टेस्टी लग रही है, आप लोग ज़रूर बनाइए। इसे हम सर्व कर देते हैं, तो ये देखिए लग रही है बर्फी एकदम मार्केट जैसी। तो ये देखिए हमने सर्व कर दिया है मूंग दाल बर्फी, दरदरी बर्फी बन के रेडी हो गई है। आप चाहें तो मूंग दाल को बारीक एकदम पीस के भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दरदरा बर्फी होता है तो खाने में और टेस्टी लगता है, तो एकदम टेस्टी बना है ये देखिए।
और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और स्किप मत कीजिए, मेरी वीडियो अंत तक देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा बना है। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, धन्यवाद।